हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जहां पर आपको 2% रिटर्न मिलता है, 3% रिटर्न मिलता है? सो मैं आज आपको बता दूं कि 12% नाम का एक क्लब है जो कि आपको अप टू 12% का रिटर्न देता है। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू से आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आपको वहाँ पर सारे परमिशंस को देकर आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना OTP देकर के वेरीफाई कर लेना है। कौन सा OTP? जो आपको उसी नंबर पर आएगा जो नंबर आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे OTP आ चुका है और मैंने OTP को एंटर कर दिया है और ये ऑलमोस्ट प्रोसीड हो चुका है, ठीक है। 12% रिटर्न, यस फ्रेंड्स, अप टू 12% तक आपको अपने सेविंग्स पर रिटर्न मिलता है। और ये जो फंड्स हैं, आप इसीलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे तब आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट से वापस 12% क्लब में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने भारत पे का नाम सुना होगा ना, तो सेम भारत पे का ही एक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, जिसे कि भारत पे ने अपने पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट किया है, जो कि RBI के द्वारा अप्रूव्ड है। और ये एक NBFC, दैट मीन्स कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसे इसका नाम पहले लेन देन क्लब था, जिसे कि भारत पे ने एक्वायर किया और इसे अब 12% क्लब का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर आपको अप टू 12% का रिटर्न मिलता है और साथ ही साथ जब भी आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि आपको 3 मंथ का ही टेन्योर मिलता है। इसका क्या फंड है मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में ही। सो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको पीयर टू पीयर, दैट मीन्स कि पी टू पी सर्विस आपको देता है। कैसे काम करता है ये, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे आप इसमें फंड ऐड करते हैं। फंड ऐड करने के लिए सिंपली ना आपको वो अमाउंट चूज करना पड़ता है कि आप कितना फंड ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप फंड ऐड करने जाते हैं ना, तभी आपको अपना अकाउंट जो है KYC करवाना पड़ता है। कैसे? तो सिंपली हम ऐड फंड पर क्लिक करते हैं। जब हम ऐड फंड पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको अपना आधार कार्ड और पान कार्ड अपने हाथ में अपने पास रेडी रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो फोटोज वगैरह आपके पास होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चूज कर लेना है। मैं आपको दिखा दूँ, जब भी आप कोई अमाउंट चूज करते हैं तो उसके नीचे में ठीक आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स कि एनुअल रिटर्न आपको कितने मिलते हैं वो भी आपको हाईलाइट कर देता है। तो जैसे आप ऐड मनी पर क्लिक करते हैं तो पेज लोड होता है। जैसे पेज लोड होकर एंड होता है, तो यहाँ पर आप एक और पेज पर लैंड करते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपली आपको एड फिर लिंक बैंक पर आपको क्लिक करना होता है, जो भी आपको फ्रंट में दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना बैंक चूज करना होगा कि कौन से बैंक से आप ट्रांजेक्शन अधिकतर करते हैं, कौन से बैंक में आप चाहते हैं कि आपको जो फंड है, पैसा है, वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। सो मैं बता दूं कि यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन नहीं है, सो आप पेटीएम बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है आप चूज कर सकते हैं। लाइक मेरा एक बैंक अकाउंट है इंडियन ओवरसीज में, सो मैं चूज करूँगा एंड सर्च करूँगा इंडियन ओवरसीज बैंक, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या होगा कि विद इन फ्यू सेकेंड आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा। और फिर से आपको अपने बैंक वाले सेक्शन पर, मीन्स कि अपने बैंक पर ही क्लिक करना है। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी आपको क्वेरीज मांगता है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स आपको दे देना, दैट मीन्स अपना पैन कार्ड का नंबर आपको देना है, पैन कार्ड नहीं पैन कार्ड, ठीक है। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आइकन्स होंगे यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपका पैन कार्ड भी इसके साथ फैच हो जाएगा, मीन्स कि लिंक हो जाएगा, ठीक। सो उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक बार प्रोसीड पर करना है। सो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो गया और आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको ऐड आधार पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड आधार पर क्लिक करते हैं तो आप एक और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसे जस्ट आपको सिंपली फॉलो करना है। और आप फिर एक डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट होते हैं, वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपका सिंपली आधार कार्ड जो है लिंक हो जाएगा। मे बी अगर आपको OTP आता है तो आपको OTP देकर के वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद सिंपली आप जो अमाउंट ऐड करने वाले थे वो आपके ऑप्शन आपको दिखाएगा, UPI के थ्रू करना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं। सो आप सिंपली UPI चूज़ करें और अपने पेटीएम या फिर फ़ोनपे के थ्रू से आप यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने पेटीएम के थ्रू से अपना फंड जो है यहाँ पर ऐड किया है इन द 12% क्लब। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपने यहाँ पर पैसा ऐड किया, मुझे क्विकली व्हाट्सएप पर भी 12% क्लब की तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि हाँ आपका फंड जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर हम लोग डन पर क्लिक करते हैं और मैं आपको अब इसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फंड जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पर आपको डिटेल्स स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं कि हमने क्या किया था और क्या नहीं, ऐड किया है, विड्रॉ किया है, जो भी है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
सो उसके बाद हम बैक जाएंगे, और जब हम बैक जाते हैं तो हम और एक पेज पर रिडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स कि ये होम पेज होता है। यहाँ से सिंपली हम लोग विड्रो पर क्लिक करते हैं, और विड्रो पर क्लिक करने के बाद हमें अपना अमाउंट चूज कर लेना है कि कितना अमाउंट हम यहाँ से विड्रो करना चाहते हैं। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पर अपना अमाउंट चूज कर लेंगे, और जब हम यहाँ पर विड्रो पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा कि विड्रो मनी पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है ये पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट फ्यू सेकंड्स में, दैट मीन फ्यू मिनट्स में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं ये फंड फ्रॉम द 12% क्लब। आपको लिटिल बिट जितना भी आपका एक्स्ट्रा मनी होता है आप यहाँ पर डिपॉजिट करें, और अच्छी खासी आपको रिटर्न्स पर डे पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, मैं खुद ही हर दिन जाता हूँ कि मुझे आज कितना रिटर्न मिला, कल कितना रिटर्न मिला, कितना नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अब आप भी यहाँ से एप्लीकेशन को डिइंस्टॉल करके अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।